Hello my dear student, how are you all? Today I am going to teach you your previous chapter, chapter number 3. Now under that, next are illustration, question number 5. See the screen. The marks obtained by 25 students in economics and mathematics are given below. यहाँ पे information दिया हुआ है 25 students की, उनको economics और math में कितने कितने marks मिले हैं. The first figure in bracket indicate the marks in economics. जो पहला figure है वो किसका दिखा रहा है? Economics का. Line को underline कर लेना. And second marks दिखा रहे हैं mathematics. Okay. Like 14 और 12 दिया है. पहला question में देखो 14 and 12. 14 जो है वो आपका economics है और 12 आपका maths है. 0 आपका economics है, 2 आपका maths है, 1 आपका economics है, 5 आपका maths है. As it is पूरे के पूरे question है. तो पूरे 25 student के marks है. Okay. आगे आपको पूछ क्या रहे हैं, प्रिपेयर ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. बाइवेरिएट मतलब टू साइड, मतलब दो फ्रीक्वेंसीज में एक साथ मार रही हैं, मैथ्स और इकोनॉमिक्स. टेकिंग द क्लास इंटरवल एज जीरो एज फोर, मतलब फोर फोर के डिफरेंस में हमें क्लास इंटरवल लेना है, लाइक 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 4 4 के डिफरेंस में. बींग इक्वल टू 0 से 4 के रूप में एंड लेस देन 4 और 4 से कम, मतलब 0 से 4 आपका सबसे पहले दिया हुआ है, ये इकोनॉमिक्स का है. उसी सीधे लाइन में देखो 0 टू 4, 0 इसके बाद 4 टू 8, 8 टू 12, ये किसका आएगा? मैथ्स का. ये सारे के सारे किसके हैं? मैथ्स के मार्क्स हैं. और नीचे लाइन में देखना 0 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 12, ये है हमारे इकोनॉमिक्स के मार्क्स. ओके, तो अब हम क्वेश्चन जो पढ़ के उसके हिसाब से देखते हैं कि पहली जो लाइन है यहाँ पर 0 टू 4 इकोनॉमिक्स में भी हमें होने चाहिए और 0 टू 4 मैथ्स में भी होने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है 0 टू 4? देखो यहाँ पे हमारा सेकेंड नंबर हो सकता है 0 टू 4, जो रेड लाइन से डिनोट किया जा रहा है 0 टू 4, मतलब देखो 0 से 0 आ गया और मैथ्स में भी 2 आया है, मतलब 4 के अंडर का ही नंबर है. मतलब आपको 4 नहीं लेना है यहाँ पर, आपको 3 तक ही लेना है. क्यों 3 तक लेना है? क्योंकि इसके नीचे वाला जो है यहाँ पे लेस देन 4 दिया ना, लेस देन फोर मतलब 4 से लेस क्या होता है? 3. तो 0 टू 3 ही आप नंबर लोगे, 0 टू 3, क्योंकि 4 आपको नेक्स्ट वाले कॉलम में कैलकुलेट करना होता है. ओके, दोनों साइड में. तो यहाँ पे आपके कितने नंबर मिले हमें 0 टू 4 में? 0 टू 1 ही मिला है, तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है और आपको उसको नंबर में दिखा दिया 1. अब दूसरा देखना अच्छी तरीके से, इकोनॉमिक्स में होना चाहिए सेम 0 टू 4. ठीक है, इकोनॉमिक्स से कितना होना चाहिए 0 टू 4 और मैथ्स में होना चाहिए 4 टू 8. समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स में 0 टू 4 और इसमें कितना होना चाहिए 4 टू 8. तो स्क्रीन में देखना आप, यहाँ पे दिख रहा है आपको 0 टू 4 थर्ड जो है आपका 1 और 5. ये 0 से 4 के बीच में, थर्ड के बीच में आ गया 1 और 4 टू 8 में क्या आ गया बीच में? 5. तो ये तीसरा नंबर है 1 और 5, ये आ जा रहा है हमारा यहाँ पर एक ही नंबर ऐसे हैं. तो हमने यहाँ पे 1 लाइन भी ड्रॉ कर ली और नंबर में उसको 1 लिख लिया. नेक्स्ट देखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, वीडियो को अच्छे से देखिए तब आपको समझ में आएगा. इसको थोड़ा अपना क्वालिटी मोबाइल की हाई कर लेना ताकि आपको स्क्रीन में नंबर भी क्लियर दिखाई दे. ओके, तो यहाँ पे देखना थर्ड में क्या है, 0 टू 4 होना चाहिए इकोनॉमिक्स का और 8 टू 12 होना चाहिए आपके मैथ्स का. ओके, 0 टू 4, अब हम लोग फिर ऐसा कोई नंबर देखेंगे जहाँ पे 8 टू 7 तक आए. यहाँ पे देखना एक नंबर दिया हुआ है 2 8. ठीक है, येलो से आपको दिख रहा होगा 2 8, जो 2 है वो 0 से 3 के बीच में आ रहा है और 8 जो है वो 8 से 11 के बीच में आ रहा है. 12 नहीं लेंगे क्योंकि 12 हम नेक्स्ट लाइन में लेंगे. ओके, एक मिल गया. और भी ऐसे कोई नंबर होंगे यहाँ पे, आप लोग अच्छे से देखिए क्वेश्चन को, और कहीं पे दिखाई दे रहा है 0 से 4 स्टार्टिंग नंबर होना चाहिए 0 टू 4 और यहाँ पे होना चाहिए सेकेंड. देखो यहाँ पे नीचे वाले लाइन में है 0 और 10 दिख रहा है. तो ये जो 0 और 10 है, ये 0 और 10 में क्या आ गया? 0 तो 0 में आ गया पहले वाले में इकोनॉमिक्स का और 10 जो है वो 12 वाले कॉलम की आ गई मैथ्स में. तो ये आ गए आपके दो नंबर, तो दो लाइन ड्रॉ किया और आपको टोटल 2 लिख दिया. अब पहले लाइन में देखना 1, यहाँ पे 1 और 2, टोटल कितने हो गए? 4. तो टोटल में हम लोग ने लिख लिया 4. ओके, नेक्स्ट कॉलम देखना, इकोनॉमिक्स में 4 टू 8, इको में कितना आना चाहिए? 4 टू 8 आने चाहिए और मैथ्स में कितना आना चाहिए? 0 टू 4. तो अब हम ऐसे नंबर देखते हैं कि जो मैथ्स इकोनॉमिक्स में हो 4 टू 8, मतलब 4 टू 7 आना चाहिए. तो हम क्वेश्चन में देखेंगे 4 टू 7,
पहले देखो यहाँ पे 7 और 3 दिख रहा है, 7 और 3, तो 7 जो है वो 4 से 7 के बीच में आ गया और 3 जो है वो 0 से 3 के बीच में आ गया, एक नंबर मिल गया, ठीक है। और हमारा दूसरा नंबर हम देखेंगे 5 3, यहाँ पे दिख रहा है आपको 5 और 3 ब्लू लाइन से, देख ग्रीन लाइन से यहाँ पे बॉक्स बन रहा है। जो 5 है वो 5 4 और 7 के बीच में आ रहा है और 3 जो है वो 0 2 4 के बीच में आ रहा है, तो 2 नंबर मिल गए। और एक नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। 4 और 1 यहाँ पे दिखा आपको, 4 और 1 यहाँ देखो बॉक्स बन रहा है, 4 4 आपका कहाँ पर आ रहा है, 4 to 7 के बीच में, और 1 कहाँ आ रहा है, 0 to 4 के बीच में, तो 3 नंबर हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने 3 कॉलम खींच दिए, 3 लाइन खींच दिए और ब्रैकेट में लिख दिया 3, और 4 to 8 वाले एक भी नंबर नहीं है इसलिए वो डैश रह गया। नेक्स्ट देखेंगे 8 to 12, मतलब इकोनॉमिक्स में होना चाहिए 4 to 8 और मैथ्स में होना चाहिए 8 to 12, तो ऐसा कोई नंबर देखेंगे हम क्वेश्चन में। 4 to 8 मतलब 7 के बीच में और यहाँ पे 8 से 12 के बीच में, तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है, आप क्वेश्चन देखना अच्छी तरीके से। 8 to 12 यहाँ पे आ रहा है, ये जो देखो नेक्स्ट सेकेंड लाइन में 6 और 8, 0 to 4 के बीच, 0 to 7 के बीच में 6 आ गया, 8 to 12 के बीच में 10 आ गया, तो एक ही नंबर है, तो हमने एक नंबर लिख लिया। तो एज इट इज़ हमें ये क्वेश्चन पूरा करना है। तो टोटल आपके स्टूडेंट की स्ट्रेंथ आनी चाहिए 25, क्योंकि क्वेश्चन में आपने क्या लिखा था, 25 स्टूडेंट्स, तो आपका जो आंसर में भी टोटल कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। ओके, अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन किया तो आपका आंसर राइट आ जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपका ये जो थर्ड चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। देखना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, 6 नंबर 6 क्वेश्चन है। यूज़ दी डेटा इन दी फॉलोइंग टेबल, आपको यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है कुछ फॉलोइंग टेबल्स के, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखना है, यहाँ पे कुछ डेटा दिया है रिलेटेड टू मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 50 हाउस होल्ड, मतलब एक घर है 50 घरों के यहाँ पे फूड के कुछ एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कि मतलब कितने रुपीज़ का फूड उस घर में खर्च होता है। मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इन रुपीज ऑन फूड ऑफ 50 हाउस होल्ड, मतलब खाने खाने का खर्चा हर एक घर का कितना है मंथली, वो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मंथली हाउस होल्ड में किसी घर में खर्चा होता है 1904, दूसरे में हो रहा है 2041, 5090, 1211, 1218, 4248, 1007, 2025, 1397, मतलब ऐसे टोटल आपको 50 हाउस होल्ड के यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। ओके, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फर्स्ट वन, ऑब्टेन द रेंज ऑफ मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन फूड। सबसे मेन मंथली हाउस होल्ड का क्या पूछा, रेंज पूछा है। रेंज, अगर हम मार्केट में जाते हैं किसी सामान को खरीदते हैं तो हम पूछते ना उसे किस रेंज में है, किस रेंज मतलब या तो हाई नंबर पूछते हैं या तो लो नंबर, दो चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो रेंज का फॉर्मूला भी यही होता है, आप लोग इसका आंसर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर माइनस स्मॉलेस्ट एक्सपेंडिचर, ओके। फर्स्ट द रेंज ऑफ मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन फूड, लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर माइनस स्मॉलेस्ट एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा कौन से घर में हो रहा है। अब क्वेश्चन में सबसे पहला लाइन दिख रहा होगा आपको, सबसे ज़्यादा खर्चा 5090 दिख रहा है, इससे ज़्यादा कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है। अगर आप स्क्रीन में अच्छी तरीके से देखोगे तो 5000 से इस नंबर के बड़ा कोई नंबर नहीं है। अब सेकंड सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1007, उसी लाइन में फर्स्ट लाइन में ये 1007, और कोई भी नंबर इससे छोटा नहीं दिख रहा, सब नंबर इससे बड़े ही हैं, ठीक है। तो हमने पहले लार्जेस्ट नंबर ले लिया 5090 माइनस 1007, अब उसमें माइनस आंसर आ गया हमारा 4083, ये क्या आ गया, रेंज ऑफ मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन फूड। ओके, अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिवाइड द रेंज इनटू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्लास इंटरवल एंड ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर। अब आपको यहाँ पे मंथली एक्सपेंडिचर की फ्रीक्वेंसी बनानी है। जैसे सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 1000 से लेंगे, 1000 to 1200, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बनी हुई है 1000 से 1200, 1200 to 1400, 1400 to 1600, 1600 to 1800, ऐसे टोटल लास्ट नंबर हमारा 5000 आ रहा था, तो हम क्या करेंगे 5000 से आगे यहाँ पे लिखा हुआ है
मतलब ये नंबर थोड़ा बाद में बढ़ते बढ़ते चला गया, 18 से 2000 हुआ, 2000 से 2500 हो गया, 2500 से 3000 हो गया, मतलब पहले 200 का गैप था, उसके बाद में 500 का गैप हो गया है, तो लास्ट हमने 5000 से 5500 तक का हमने ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे 1000 से 1200 तो नहीं लेंगे हम, बट 1199 तक हम यहाँ पे ले सकते हैं, 1200 नहीं लेंगे, 1200 हम नेक्स्ट वाले में लेंगे। तो इतने कितने नंबर यहाँ पे आएंगे, अब हम लोग क्वेश्चन में काउंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला देखो 2000 के अंदर के नंबर, फर्स्ट ये आपका हो गया ग्रीन से जो जो साइन होगा 1, देन ये हो गया सेकेंड 2, ठीक है 2000 के अंदर के नंबर वो हो जाएंगे, देन थर्ड, वेट हाँ सॉरी, फर्स्ट ये हमारे 2000 के अंदर के नंबर नहीं थे, 1200 के अंदर के नंबर है, 1200 से 1200, वेट तो ये आपको क्वेश्चन देखना, पहले यहाँ पे हम रेड से डिनोट करेंगे 1000 से 1200, मतलब 1200 के अंदर के नंबर आने चाहिए, 1200 से अंदर के, तो यहाँ पे एक पहले ये आला आ गया 1007, और कौन से नंबर आएंगे 1200 के अंदर के, यहाँ पे आ गया 1200 के अंदर के, ये देखो यहाँ पे 1180 एक नंबर ये आ गया, 2 हो गए, यहाँ पे आ गया 3, ये भी हो गया 4, यहाँ पे आ गया 5, देन हमारा 1200 के नीचे के नंबर कौन से होंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं 5, ये भी हो गया 6, ये नंबर भी हो गए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे हम लास्ट लाइन में देखेंगे, लास्ट लाइन में हमारा 1000 से 1200 के बीच में एक नंबर और ये आ गया, देन दिस वन, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट एक नंबर और है, अगर हम अब इसको टोटल करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो भी आपका रेड मार्क से डिनोट है ये सब हमारे 1000 से 1200 के बीच के नंबर है। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने 1 टैली मार्क में 1, 2, 3, 4, 5 हमारा क्रॉस है, 6, 7, 8, 9, 5 हमारा क्रॉस है, टोटल हो गए 10 फ्रीक्वेंसी। ओके, सेम एज इट इज हम लोग नेक्स्ट कॉलम भी कर लेंगे 1200 से 1400 के बीच का। ठीक है, 1200 से 1400 के बीच का हम नंबर इसमें देखेंगे, 12 से 1400, मतलब यहाँ पे हमारा कौन सा आ सकता है, एक ये आ गया हमारा, यहाँ पे भी रेड से हम डिनोट कर रहे हैं, हम दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ग्रीन कलर ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया 2, दिस वन 3, देन 4, 1400 के अंदर के नंबर हमें चाहिए। ठीक है, 1400 मतलब 1200 से 1400 के बीच में, 12 से 14 के बीच में, और हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा, 14, ये लास्ट हो गया, एक वन ये हो गया 1400, दिस वन, देन दिस, 1400 से अंदर के नंबर 12 से 14 के बीच में, 12 से 14 के बीच में, तो यहाँ पे हमारे कितने नंबर हो गए हैं हम देखेंगे, 1200 से 14 यहाँ पे हमारे और कुछ नंबर होने चाहिए, मे बी 12 से 1400, ये भी हमारा 1400 के बीच का नंबर है जो हमने यहाँ पे ग्रीन लास्ट वाला है। ठीक है, ये भी हमारा 1400 में आता है, ये नंबर भी हमारा 1400 के अंदर आएगा, ये नंबर भी 1400 के अंदर आएगा। ठीक है, ये नंबर भी हमारे 1400 के अंदर है। अब हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाउ मच 9, एक नंबर और हमारा इसके 1400 के अंदर आना चाहिए, तो नंबर हमारा कहाँ है 1400 से रिलेटेड, 1400, ये क्वेश्चन भी हम देखेंगे अच्छी तरीके से ताकि हमारा कंफ्यूजन ना हो यहाँ पर कुछ भी, 1400 के अंदर के जो नंबर हैं, एक एक नंबर अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है रॉन्ग भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम कितने हमें आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हो गए हमारे 10, ओके, क्योंकि वहाँ पे रेड हमारा ब्लू पहले से किया हुआ था, इससे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये हो गए 10. एक बार और एक हम देख लेते हैं, लास्ट वन, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. 1400 से 1600 के बीच में, ठीक है, 14 से 16 के बीच में हमारा क्वेश्चन देखेंगे, 16 के अंदर ही होना चाहिए वो. देखते हैं, इसमें हम कोई दूसरा कलर ले लेंगे, इसमें हम लोग कौन से कलर ले ले, रेड भी हो चुका, गोल करेंगे हम इसको, रेड से हम सर्कल कर लेंगे, ठीक है, सर्कल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. 1400 से 1600 के बीच में, ठीक है, 16 से 16 के बीच में ही हमारे यहाँ पे नंबर आने चाहिए, 16, 14 से ऊपर. तो एक हमारा सबसे पहले ये हो गया 1559, ये हो गया 16 के अंदर के एक पॉइंट, तो ये बन गया, और हमारा एक यहाँ पे आ गया उसी लाइन में, ठीक है, 1600 के लिए. और एक क्वेश्चन हम एक नंबर और देखेंगे, और है या नहीं है उसे हमारा, हाँ ये 1523 ये दिख रहा होगा, ये भी 1600 के, और कोई नंबर, हाँ और कोई नंबर नहीं है. तो ये कितने हो गए, 1, 2, 3, ओके. तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या बनाया है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बन गया है आपका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. तो एज इट इज़ आप इसको पूरा करोगे. अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे, इसके पहले हमें क्वेश्चन पूछा था, थर्ड क्वेश्चन क्या था ये देखेंगे. फाइंड द नंबर ऑफ हाउस होल्ड हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज लेस देन 2000. आपको ऐसा बताना है कि इसमें कितने ऐसे हाउस होल्ड है जिसके जो मंथली एक्सपेंडिचर हैं वो लेस देन, मतलब कितने, लेस मतलब कम है, 2000 से कम कितने लोगों की इसमें खर्चे हैं. तो अब आपने ये जो देखा है, हम यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं ये रेड किया है, सब हम इसे डिलीट कर लेंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ओके. तो यहाँ पे आपने देखा होगा 2000 से हमें क्या करना है, लेस देन 2000. तो आपने यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर का देखा होगा, वो 1000 से टूवर्ड 1200, 1200 टू 1400, 14 टू 16, 16 टू 18, 18 टू 2000, मतलब टोटल 2000 में 1000 टू 1200 कितने फ्रीक्वेंसी थी, 10, ओके. तो ये 10 हमने यहाँ लिख लिया, देन 1200 से 14 थे 10, फिर कितना था 14 टू 16 कितना है 3, फिर 16 टू 18 कितना है 3, 18 टू 2000 के अंदर कितने आ गए 7. तो टोटल हमने यहाँ लिखा 10 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 7 इक्वल टू 33 फैमिलीज हैव मंथली एक्सपेंडिचर लेस देन 2000. 2000 से इतने परिवार हैं जिनकी की मंथली इनकम 2000 से कम है, 33 फैमिली, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था, अच्छे देखना, मोर देन 3000, 3000 से ज़्यादा मंथली एक्सपेंडिचर किसकी है. तो सेम हम वही आंसर देखेंगे, अभी यहाँ पे 3000 से ज़्यादा, मतलब ये देखो आपका 3000 का लिंक आ गया, 3000 से लास्ट 5500 तक हमारा ज़्यादा आएगा. तो 3000 से 3500 में कितने थे, 2, ओके, हमने यहाँ लिख दिया 2 आंसर में, फिर था 1, फिर 2, फिर 1, हमने यही नंबर यहाँ डिनोट कर लिया, आप देख रहे होंगे आंसर में, 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1, तो टोटल कितनी हो गई, 6 फैमिलीज हैव मंथली एक्सपेंडिचर मोर देन 3000, 3000 से ज़्यादा हमारा मंथली एक्सपेंडिचर हो गया है, ओके. तो अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को देखना, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो यू विल डिस्कस विथ मी ईजिली, ओके स्टूडेंट. तो वीडियो को अच्छे से देखकर समझिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.